सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 8 अप्रैल और आज आपको पता ही है सब लॉकडाउन है यार, कहीं जा नहीं सकते, तो घर सोचा घर पे ब्लॉग बनाऊं। एंड काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा भाई, ब्लॉग बनाने में इस बार मेरी हालत नहीं खराब हुई थी, अभी नहीं हुई थी जिस बार जो इस ब्लॉग में हुई है। एंड आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं यार, मैं सारे मैंने पढ़े हैं, जहाँ तक हो सका था मैंने रिप्लाई किया। एंड आपके लाइक्स और आपके लोग मतलब इतना प्यार दिया ना अपने लास्ट वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरी लद्दाख की सीरीज दिखाने वाला हूँ, मेरे को जब मैं 2015 में गया था, 15 में मैं गया था, 16 में गया था और 17 में गया था, तो उस टाइम मेरे को 18 में गया, 18 में भी गया था। उस टाइम मेरे को ये नहीं था कि मेरे को आगे जाके यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं तब अपने लिए ही वीडियोज़ बनाता था और अपने आप तक ही रखता था, ठीक है, इंस्टा पे डाल दी या एफ बी पे डाल दी, बस इतना ही करता था। अदरवाइज मेरे को ये नहीं पता था कि भाई मैं आगे जाके यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो सोचा उनको आपको शेयर कर दूँ, जितनी मेरे को क्लिप्स मिली है, जितना मैंने निकाली है, किसी से कुछ मांगी है, किसी फ्रेंड जो मेरे साथ गए थे उनसे मांगी है, तो सब इकट्ठा करके मैं आपको जितना हो सकता था उतना अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख के उनको फिर मैं आपसे बात करता हूँ, चलिए देखते हैं उनको, उन सीरीज को जो मेरी पुरानी यादें हैं। छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दे, ठीक है, झील तो डर गया, ऊपर ऊपर जा जे, झील लू को तो चढ़ाई यार उल्टी, ये तो मैं एक नई ढील ये थी मेरी लद्दाख की 2016 की वीडियोस जो आपने अभी देखी है, तो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड मैं आपको दिखाऊंगा 17 की अभी, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 16 में मैं गाड़ी लेके गया था लद्दाख, तो मेरे को नहीं पता था कि पहली BMW लद्दाख मेरी गई है या फिर मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था, बट मेरे पास किसी ने मेरे फ्रेंड ने मेरे को फोटो भेजी कि ऑफिशियल साइट पर BMW की आपकी गाड़ी की फोटो लगी है, उसमें लिखा हुआ था इंडिया की पहली BMW लद्दाख पहुंची है एंड हाईएस्ट मोटेबल रोड पे, तो मुझे नहीं पता था, बट उनका मेरे को कॉल आया तो मैं वापस आया, तो उनका कॉल आया मेरे पास कि सर इवेंट है, इवेंट पे आप आइए, बट मैं नहीं जा पाया था। बट हाँ, उन्होंने मेरे को बहुत सी कुछ चीज़ें थी जो मेरे उन्होंने अच्छी किया था मेरे साथ, कि मेरी गाड़ी का मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी लद्दाख से आने के बाद, तो उन्होंने मेरी सारी सही कर दी थी बिना किसी पैसे के लिए। बट हाँ, उनकी बहुत फ़ायदा उनको भी यार इस चीज़ से भी काफ़ी थी, उन्होंने मेरी फोटो को यूज़ किया था, बट मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि ठीक है करने दो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे तो खुशी थी कि यार मेरी गाड़ी की फोटो यूज़ हो रही है। एंड सामने हम पहुंचे कश्मीर, तो कर्फ्यू लग रहा था, तो भाई हमको थोड़ा डर लग गया था कि यार मतलब कर्फ्यू लग रहा है, तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी वैगनर, तो क्या वो उसके सारे शीशे टूटे हुए थे,
तो भाई मेरी फट गई बहुत गंदी तरह से। मैं यार अगर यही सीन मेरे साथ हो गया ना तो मेरे घर जाते जो धुलाई होने वाली है ना वो बहुत गंदी होने वाली है। क्योंकि यार मैं घर बता के नहीं आया था, मैं सिर्फ ये बोल के आया था कि मैं मनाली जा रहा हूँ और मैं वापस आ जाऊँगा 3 दिन के अंदर अंदर। मैंने ये नहीं बोला कि घर जाके मैं लद्दाख जा रहा हूँ, क्योंकि लद्दाख की बोलते मेरे को जाने नहीं देते यार। तो भाई मेरी फटके हाथ में आ गई कि मगर अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई ना मैं बहुत बुरी तरह पिटने वालूंगा जाके। बट ऊपर वाले की दया से यार ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम बड़े अच्छे से हम निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि आर्मी वाले ने हमको निकाल दिया। सबने भाई ठीक है कुछ नहीं सब शांत हो गया निकल जाओ आप, हम वहाँ से निकल। 2 घंटे हम वेट किया हमने वहाँ पे, 2 घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया निकल गए थे। हम वहाँ से जाकर रुके सोना की वीडियो जो आपने देखी है। मैं फर्स्ट टाइम ड्रोन लेके आया था, तो मतलब सीरियसली मैं ड्रोन इसीलिए लेके आया था कि मैं लद्दाख जाऊंगा और ड्रोन से उसको शूट करके लेके आऊंगा। और सीन कुछ ऐसा बना कि मैं पहुंचा जॉर्जिया पास और भाई सारे के सारे हम 2 गाड़ियों के अंदर थे और फिर अगेन से वही 10 बंदे थे, मतलब वो नहीं कुछ थोड़े बहुत चेंज थे वही बंदे थे। एंड क्या हुआ कि सीन बना कुछ ऐसा कि सारे के सारे खड़े हो गए भाई और हम ड्रोन उड़ा रहे थे, तो सबके हाथ ऐसे ऐसे हाय हाय कर रहे थे सब ड्रोन की तरफ, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि हमने कभी ड्रोन की वीडियो बनाई थी। तो सीन हुआ सडनली एकदम से आर्मी वाले आ गए, तो 10-12 आर्मी वाले आ गए, तो सबने एकदम से उन्होंने आके मेरे हाथ से कॉलर पकड़ा पूरा ड्रोन पाने से और क्या है ये सिस्टम है ऐसा क्यों बना रहे वीडियो, आपको पता है आर्मी इलाका है यहाँ पे आप अलाउड नहीं है ड्रोन उड़ाना। मगर सर मुझे तो नहीं पता था ये चीज़ें, बट और फिर सबको इकट्ठा कर लिया तो ऐसे पूछा तुम्हारा लीडर कौन है, तो हम में से एक बंदा था दादा नाम था नहीं है मतलब दादा था, तो उसको नाम कविंदर हम उसको दादा बुलाते हैं ऐसे। तो मैंने बोला तो उसने बोला अपने लीडर को बोला मैं दादा, तो कह तो वो आर्मी वाला भाई भैया बोला कि ये दादा तुम्हारा, मैं कहा नहीं भाई नहीं सर ये दादा नहीं इसका नाम हम बोलते हैं, कहला इसकी दादागिरी निकालता हूँ इसको बुलाया इसको। तो उसने बंदे ने एक दूसरे मना कर दिया कि नहीं मेरे साथ तो नहीं, तो मतलब मैं दूसरी गाड़ी में था तो उस गाड़ी को धीरज भैया चला रहे थे, तो उसने बोला कि नहीं ये है इनके साथ, तो फिर उन्होंने हमने बात की उनसे फिर सबने। तो मतलब यार ऐसे कुत्ते दोस्त होते हैं कि जब मेरे को पकड़ा तो सारे के सारे ऐसे हो गए जैसे मेरे को जानते नहीं है यार भाई, हाँ मतलब हम नहीं जानते इसको कौन है ऐसे ऐसे, और जब ड्रोन उड़ रहा था जब सारे हाथ लड़े तो हुआ। तो आर्मी वाले बोले यार कि ऐसा एक काम करो क्लिप दिखाओ कौन कौन सी है ये सारी डिलीट करो, क्योंकि यार वहाँ पे अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है आपको पता है पहलगांव के पास सॉरी सोनमार्ग के पास से स्टार्ट होती है, तो इस चक्कर में उनको मुझे नहीं पता था यार सीरियसली मुझे नहीं पता था कि ऐसा ड्रोन नहीं उड़ाते हैं या फिर आर्मी लड़के में नहीं उड़ाते, बट मुझे मैंने फर्स्ट टाइम था मैंने जब ड्रोन उड़ाया वहाँ पे, तो उन्होंने उतार उतार के सब कुछ बोला, उन्होंने मेरा ड्रोन रख लिया ठाकुर जिप्सी में, तो उन्होंने मेरी आईडी ली तो आईडी वाइड चेक करने लग गए, उन्होंने कॉल किया अपने पता नहीं किसी सीनियर के पास, उन्होंने पूछा हमसे तो उन्होंने बोला ठीक है भाई इनको पूछो इनसे कहाँ से, तो हमने बोला कि हम हरियाणा से आए गुड़गांव से। तो
जब हम वहां से निकले तो उन्होंने बोला कि आपको निकलने तब दिया जाएगा जब आपकी यहाँ से आप हमारी फुटेज सारी ट्रीट कर दो। तो उन्होंने मेरा एसडी कार्ड लेके उन्होंने रख लिया था और जो जितनी भी फुटेज थी वो सारी उसमें चली गई थी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आगे कहीं भी उड़ाना है तो आर्मी कैंप से दूर उड़ाना। मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान रखी। सो कमेंट करके बताना यार गाइस कैसी लगी वीडियो। प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना चैनल और मैंने सब्सक्राइब प्लीज़ यार कर दो यार चैनल। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार आप इतने अच्छा प्यार दिखा रहे हो वीडियोज़ पे। तो सोचा यार इस वीडियो को भी मैं शेयर करूँ आपके सामने। तो अभी है बहुत सारी क्लिप है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है इस चक्कर में मैंने नहीं बनाया। बट हाँ नेक्स्ट वीडियो पार्ट जल्दी आएगा इसका। और कमेंट करके बताना ये वाली कैसी लगी वीडियोस। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो Ajju0008 और टिकटॉक पे भी। और टिकटॉक पे मेरे 1.7 मिलियन हो चुके हैं एक वीडियो पे। बहुत बहुत थैंक यू यार। एंड तब तक के लिए बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।